हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज है 14 सितंबर 2023, यानी कि 14 सितंबर 2023, और आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। ये है मेरा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिटेलिंग बताई हुई है, और इनफैक्ट कल के भी करंट अफेयर्स में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाया है कि इनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर से, वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप कल का ही लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा करंट अफेयर्स का। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है स्टेट, इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है, और ये गुजरात असेंबली के मेंबर्स के लिए किया गया है, सो डैट वो पार्लियामेंट और दूसरे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है ना इंडिया के, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न कर सके और अडॉप्ट कर सके। ठीक है, नाउ पीएम उज्ज्वला स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 इयर्स के लिए, मींस 3 साल के लिए पीएम उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये पीएम उज्ज्वला स्कीम है क्या, देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस स्कीम को भी हम कवर करते हैं आज। इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2016 में, ठीक है, ताकि गरीबों को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ये जरूर याद रखेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए मेन क्या होता है किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव, या फिर हम कहें एम क्या है, वो जरूर आता है क्वेश्चन। तो इसका एम है कि विमेन एम्पावरमेंट करना, ठीक है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनके यहाँ एलपीजी सिलेंडर वगैरह नहीं होता था, तो जो खाना बनाते थे ना वो लकड़ी पे या फिर कोल वगैरह पे बनाते थे, जिससे कि जो धुआं उठता था ना, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ये फीमेल की हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि फीमेल खाना बनाती, और अगर वो जिस रूम में खाना बना रही है जहां पे ये धुआं उठ रहा है, वहां पे अगल बगल कोई भी इंडिविजुअल है, तो उसको भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती थी हाई, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये पीएम उज्ज्वला स्कीम ले आई कि जो हेल्थ है फीमेल की, या फिर हम बोले तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बड़े लोगों को भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। इंडिया में अनक्लीन कुकिंग फ्यूल यूज करने से जो डेथ्स होती हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, ये इसका मेन टारगेट है पीएम उज्ज्वला स्कीम का। और अब इसको हम देख लेते हैं कि वो कौन से 3 साल हैं जब तक ये बढ़ाया गया है। तो ये है ईयर 2023 से 2026 तक, ठीक है, इस 3 साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस 3 साल में 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, 75 लाख, मतलब 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स विच फेज ऑफ ई कोर्ट स्कीम फॉर 4 इयर्स? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1st, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन 3 3rd, या फिर ऑप्शन डी 4th। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3rd, मींस जो ई कोर्ट स्कीम है ये इसका 3rd फेज है, जिसको कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 साल और के लिए, ठीक है। और ई कोर्ट है तो आप इसे समझ लीजिए, जहां पे भी ई आता है दैट मींस कि इट्स डिजिटल, ओके,
डिजिटल। तो इसमें क्या होगा कि सारी चीजें जो हैं कोर्ट की वो डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो जस्टिस है उसको मैक्सिमम ईज से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि जो भी चीजें हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं, अगर फाइलों में हम ढूंढे तो हमें महीने लग जाएंगे कभी कभी तो, लेकिन अगर आपको बस एक क्लिक करने पे वो सारी चीजें आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हैं तो टाइम जो है वो भी काफी बचेगा, इससे जस्टिस भी बहुत जल्दी मिलेगा, प्लस जो दूसरे पेंडेंट केसेस होते हैं ना, पेंडिंग केसेस, वो भी जो है उनके भी बारे में जस्टिस बहुत जल्दी आएगा, और जिससे जो बर्डन है मतलब जुडिशियरी जुडिशियरी पे सॉरी जो बर्डन है जुडिशियरी पे वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ई कोर्ट स्कीम को ले आया गया था और ये उसका थर्ड फेज है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फॉर वेस्ट स्कीम इज स्टार्टेड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ विच सिटी? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी गैंगटॉक या फिर ऑप्शन डी पटना। तो दोस्तों आपको ये इमेज दिख ही रही है, यहाँ पे कौन सी सिटी है, ये पटना, कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। अब मैं आपको बिहार के बारे में बता देती हूँ, और बीपीएससी जो कि बिल्कुल पास में ही है, तो बिहार की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे मतलब बीपीएससी की, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार के जो सीएम है उनका नाम है नीतीश कुमार, और नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके फाउंडर कुमार गुप्त हैं वो भी बिहार में ही सिचुएटेड है, बिहार में ही बोध गया है जो कि एक पिलग्रिमेज साइट है, और बिहार के गया में विष्णुपद टेम्पल है। ठीक है, उसके अलावा हम देखें तो पटना का जो प्रीवियस नेम है वो आपने पढ़ा होगा, वो पाटलिपुत्र है। पटना का प्रीवियस नेम क्या है? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। डेनियल स्टॉर्म हैज अफेक्टेड विच कंट्री रिसेंटली? ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए या फिर ऑप्शन डी लीबिया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लीबिया। देखिए दोस्तों ये है लीबिया, ठीक है, और ये है मेडिटेरेनियन सी, इसके नदन पार्ट में। तो हुआ क्या है कि ये जो स्टॉर्म है ना डेनियल स्टॉर्म, ये मेडिटेरेनियन स्टॉर्म है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट हुआ है, और इसने किसको इम्पैक्ट ज्यादा किया है तो लीबिया की जो डेरना सिटी है वहां पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखा गया है। वहां पे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, और मोर देन 10,000 लोग तो डिस्प्लेस हैं, किसी के बारे में कुछ अभी आइडिया नहीं कि कहाँ पे है। ठीक है, और ये आप देखें तो ये है कैपिटल इसकी त्रिपोली, लीबिया की क्या कैपिटल है? त्रिपोली। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इज लीबिया अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सो यू शुड मार्क नो, इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिकॉज इन द नदर्न ऑफ लीबिया इट्स मेडिटेरेनियन सी इज ओवर देयर। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीबिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, सपोज दिस इज अफ्रीका, ओके, सो लीबिया इज सिचुएटेड ओवर हियर इन द नदर्न पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लीबिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, सो यू शुड मार्क अफ्रीका एंड इन पर्टिकुलरली नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, क्योंकि जो भी कंट्रीज जो न्यूज में होती है ना क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम। मैं ये नहीं बोलूँ कि सारे ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन नहीं, 10 में से 9 क्वेश्चंस आप बोल लीजिए तो जो रिसेंट कंट्रीज न्यूज में होती हैं उनसे पूछे जाते हैं, उनकी ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है, उनके एनवायरमेंट के बारे में पूछा जाता है कि ये कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, लैंडलॉक्ड है या लैंडलॉक्ड नहीं है, कौन सी सी के पास लोकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। और कभी कभी कैपिटल भी पूछा जाता है, मैच द कॉलम जो होते हैं ना सेक्शन, उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। तो हमें सारे कैपिटल्स नहीं याद हो सकते, लेकिन एक दो कंट्री के भी अगर कैपिटल हमें पता रहेंगे ना तो हम एलिमिनेशन टेक्निक से
बाकी आंसर्स, मतलब जो बाकी ऑप्शंस है उसको भी हम सही टिक करके अपना आंसर सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अर्मेनिया, सियरा लियोन, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑप्शन बी इजिप्ट एंड कनाडा, ऑप्शन सी अर्मेनिया एंड ग्रीस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इन सारी कंट्रीज के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फोर्थ G20 मीट फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू बी हेल्ड इन ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तब सोचे कहाँ पे होगा ये? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, मुंबई में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसकी मीटिंग की जाएगी, और कौन सी डेट को की जाएगी? तो वो है 14 to 16 सितंबर। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि इस बार की जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास है, तो थीम क्या है? देखिए थीम से भी क्वेश्चंस आते हैं ना, कि कोई भी समिट होती है तो उसकी थीम भी पूछ ली जाती है, तो आपको थीम पता होनी चाहिए। थीम है इसकी वासुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। दोनों में से कोई सी भी आ जाए, मतलब वासुदेव कुटुंबकम आ जाए तो आप उसको टिक कर देना, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आए तो उसको टिक कर देना, और इन केस दोनों आ गए तो आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ, पॉइंट वन पॉइंट टू या फिर बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। हु हैज ज्वाइंट सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज डायरेक्टर फाइनेंस? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी सिंधु गंगाधरन या फिर ऑप्शन डी जोशीत रंजन सिकितर। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जोशीत रंजन सिकितर जी जो हैं वो सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एस डायरेक्टर इन फाइनेंस जो है उन्होंने ये ज्वाइन किया है। ठीक है, और अब मैं आपको बता देती हूँ सेकी के बारे में, मीन्स सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में सेकी भी कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मिनी रत्ना है। ठीक है, ये मिनी रत्ना है और इसको फॉर्म किया गया था ईयर 2011 में। कौन से ईयर में? 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मिनिस्ट्री है इसकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल टू ट्रैक फ्रॉड्स? आपके ऑप्शंस हैं न्याय, ऑप्शन बी टीटीपी मींस टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स, ऑप्शन सी संजीवनी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, ये नया साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल है फ्रॉड को ट्रैक करने के लिए, जिस तरह जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स होते हैं या फिर इंश्योरेंस फ्रॉड्स होते हैं उनको ये ट्रैक करेगा। ठीक, FIS टेक्स अवे होस्टिंग राइट्स फ्रॉम विच कंट्री फॉर द ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी USA। तो अभी रिसेंटली FIH ने जो ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने वाला था लाहौर में, उससे इसके होस्टिंग राइट्स को जो है वो मतलब स्ट्रिप्ट कर दिया है, मतलब छीन लिया एक तरफ से हम बोल सकते हैं।
ठीक है वापस ले लिया है। क्या पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट जो लाहौर में होने वाला था उसको अब ये होस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये कब तक होने वाला था पाकिस्तान में? ये होने वाला था 13 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2024 तक। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स। अब हम फैक्ट्स के थ्रू करंट अफेयर्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें सबसे पहला पॉइंट है पोटेंशियल ट्रीटमेंट रूट फॉर अल्जाइमर डिजीज फाउंड इन नेचुरल पॉलीफिनॉल। देखिए अभी तक जो ये अल्जाइमर डिजीज है ना, ये नॉन क्यूरेबल थी, क्योंकि ये मतलब अल्जाइमर डिजीज होती क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इट्स ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच कॉजेज ब्रेन सेल्स टू डीजेनरेट एंड डाई। मतलब कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना वो धीरे धीरे डीजेनरेट होते रहते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाती है। और आपने देखा होगा कि जो बुढ़े लोग होते हैं ना वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी लॉस करते जाते हैं, मतलब कि उनको याद नहीं रहता है, वो चीजों को भूलते हुए जाते हैं। तो वो बहुत ही कॉमन है जो अल्जाइमर डिजीज है ना, वो बुढ़े लोगों में बहुत कॉमन हो जाती है। ठीक है, और अभी तक ये नॉन क्यूरेबल थी, लेकिन अभी रिसेंटली पाया गया है कि नेचुरल पॉलीफिनॉल जो है उससे इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो ये बहुत अच्छा ही बूस्ट है मेडिकल साइंस में इस डिजीज को क्योर करने के लिए। कोई भी चीज जो कि नॉन क्यूरेबल है और वो अगर क्योर हो जाए तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। जिनमें से पहला ये हमने देखा अल्जाइमर डिजीज के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस स्केल इंडिया डिजिटल। स्केल इंडिया डिजिटल इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गोपाल बागले हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गोपाल बागले जी जो हैं ये एक IFS ऑफिसर हैं, इनको हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में। और अब हम ये देखते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मैप है पूरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया में इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ये चेन ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, उसके अलावा क्वींसलैंड यहाँ पे है, प्लस अगर हम देखें तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। और मलाबार एक्सरसाइज 2023 जो है, मलाबार एक्सरसाइज 2023 वो इस बार ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया इस एक्सरसाइज को इस बार। उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है उसको कहते हैं ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद ये आर्मी की एक्सरसाइज है इन दोनों कंट्रीज की। और नेवी की जो एक्सरसाइजेस होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच उसको कहते हैं ऑस इंडेक्स, ऑस फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडेक्स फॉर इंडिया। ठीक है, ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो आप देखिए, एक हो गया ऑस्ट्रा हिंद, एक हो गया ऑस इंडेक्स और एक है मलाबार एक्सरसाइज। ठीक है, और ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पे। प्लस अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो साउथ ईस्ट रीजन है ना ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो साउथ ईस्ट में है या फिर साउथ वेस्ट में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, ये है कोरल सी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रिवर जो है ऑस्ट्रेलिया की वो है यहाँ पे डार्लिंग। डार्लिंग रिवर से बहुत क्वेश्चन आता है कि इन विच कंट्री डार्लिंग रिवर इज लोकेटेड, सो इट्स लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, देन दिस इज रिवर मुरे, बहुत ही फेमस रिवर है ये। देन गिब्सन डेजर्ट,
गिब्सन डेजर्ट भी पूछा जाता है, मतलब बहुत बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि गिब्सन डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना, आपके ऑप्शन हो जाते हैं येस नो ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि नो इट इज नॉट लोकेटेड इन चाइना, इन फैक्ट इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ये है तस्मेनिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुलदीप यादव हैज बिकम इंडियाज फास्टेस्ट स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन वन डे इंटरनेशनल्स। कुलदीप यादव ने 88 मैचेस में 150 विकेट्स लिए हैं और ये इंडिया के फास्टेस्ट स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने कि इतने कम मैचेस में 150 विकेट्स ले लिए हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखिए, अगर आ गया कि पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे हैं, फोर्थ पोजीशन पे हैं। ठीक है, इंडिया में भले ही फर्स्ट है लेकिन पूरे वर्ल्ड में अभी फोर्थ पे हैं, तो धीरे धीरे ये भी रैंक इंप्रूव हो जाएगी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंधु गंगाधरन इज अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। ठीक, देखिए ये वन लाइनर है, आपको पता होना चाहिए बस। सिंधु गंगाधरन को कहाँ मतलब अपॉइंट किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया एज वाइस चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। उसके अलावा नास्कॉम के जो चेयरमैन है उनको भी अपॉइंट किया गया था, और कौन है नास्कॉम के चेयरमैन, तो वो है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार वो नास्कॉम के चेयरमैन है। ठीक है, महाराष्ट्र विंस नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप फॉर रिकॉर्ड फिफ्थ टाइम। मतलब महाराष्ट्र ने नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है 5वीं बार, ये रिकॉर्ड है अपने आप में कि 5वीं बार जीती है। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र जो है वो अभी न्यूज में था क्योंकि इसने फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में टॉप किया है। फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट आई थी जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, और जो सेकंड पोजीशन थी वो छत्तीसगढ़ को मिली थी। ठीक है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो वो है एकनाथ शिंदे। और वर्ली पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वर्ली पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ली पेंटिंग कौन से स्टेट की है, सो इट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, सर इयान विलमुत साइंटिस्ट डाइड रिसेंटली। आपने नाम सुना होगा डॉली शीप का, है ना, डॉली शीप। ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्लोन शिप है, और इसको किसने क्लोन किया था, मतलब इसकी क्लोनिंग किसने करी हुई थी, तो उन्होंने किया था सर इयान विलमिट ने। ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, इनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली। अब हम आगे देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स विल गेट इट्स फर्स्ट C-295 प्लेन फ्रॉम एयरबस इन स्पेन। देखिए क्वेश्चन इससे आता है कि C-295 प्लेन ये कौन सी कंट्री से इंडिया मंगवाया है, या फिर मंगवाएगा, या फिर किस कौन सी कंट्री के बीच अग्रीमेंट साइन हुआ है C-295 प्लेन देने का, तो आपके ऑप्शंस होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि स्पेन है जो इंडिया को C-295 प्लेन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन सिमोना हेलेप हैज बीन बैंड फॉर 4 ईयर्स फ्रॉम टेनिस। ये रोमानियन टेनिस प्लेयर हैं और इनको रिसेंटली डोपिंग का में पाया गया है, जिसकी वजह से इनको 4 साल का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, अभी 4 साल तक टेनिस मैच नहीं खेल पाएंगे। इनका नाम है सिमोना हेलेप। तो ये था दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इस लेक्चर की जो फ्री PDF है वो हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड की हुई है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।